सो हे गाइस, क्रेजी गेमर्स बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। भाई आज के गेम प्ले को खेल के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, क्योंकि भाई 3-4 दिन से चिकन डिनर हो ही नहीं रहा था। मतलब पता नहीं कौन सी आत्मा लग गई थी मेरे आईपैड में, भैया चिकन डिनर करके दे ही नहीं रहा था मेरा आईपैड। लेकिन आज भाई कैसे ना कैसे करके, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बस इस गेम प्ले को तुम लोग पूरा देखते रहो। भाई जोर जोर में जा तो रहे हम 3 लोग, लेकिन बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी, वो हूं मैं। और भाई आगे जाकर ये वाला गेम जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड बनने वाला है। और गाइस तुम यकीन नहीं मानोगे, भाई जोर जोर में 6-7 टीम आई। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला सर्वाइव कर पाऊंगा जॉर्जपुल? अगर मैं कर लेता हूँ तो आप लोग को भाई आज लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो भैया कब तक कंजूसी करोगे यार, जस्ट एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और एक लाइक का बटन दबाना है यार। तो फिलहाल के लिए मेरे को एके मिलती है, सामने कुछ बंदे रहते हैं और बस देखो। भाई साहब क्या ही बचाऊं यार, देख रहे हो क्या ही खतरनाक क्लच हुआ यहाँ पे। अब देखो जिस टीम की मैंने अभी पेटी बनाई ना, वो अलग टीम का बंदा रहता है, और जो नोक पड़ा ना अभी इसके बंदे भैया सामने की तरफ से आ रहे हैं। और मेरी एचपी देखो, गन देखो। और भाई फाइनली इसी के साथ दोनों टीम की यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ। लेकिन भैया जैसे इनकी पेटी लूटने के लिए जाऊंगा ना, तभी यहाँ पे भाई तीसरी टीम आ जाती है और इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया। लेकिन इस टीम के जो बंदे हैं ना भैया, वो सामने की तरफ से आ रहे हैं और जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देंगे अभी। भाई सच में इस क्लच के लिए जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो भैया तुमको बहुत बुरा वाला पाप पड़ने वाला है। मतलब 300 किलो का पाप पड़ेगा। तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल पे नए हो भैया सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 टीम की पेटी बना दी थी और इतने में सामने की तरफ से एक बोट आता है, तो उसकी पेटी बनाने के लिए जाता हूँ मैं आगे की तरफ। अब देखो इस बोट की पेटी बनाने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ, इसकी पेटी लूटता हूँ। और इसकी पेटी लूट के मैं यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि भैया मेरे को लगता है कि अब जोर जोर में कोई बंदे नहीं बचे। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है और बस देखो। देखो इस गाड़ी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, जिनमें से कि एक बंदे को मैं उतार देता हूँ और एक बंदे की पेटी भी बन जाएगी थोड़ी देर के बाद। और एक बंदा जो है अभी राइट की तरफ गया, तो मेरे को लगता है वो बंदा जो है राइट की तरफ गया है, वो वहीं पे होगा। तो मैं उस बंदे के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ आगे की तरफ। अब देखो उस बंदे को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो भैया मेरे को वो गाड़ी नहीं दिखती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे वो गाड़ी दिखती है, इसका मतलब यहाँ पे वो बंदे आ चुके हैं। तो भैया देखो ऐसे तो ओपन में रश नहीं कर सकते, अपन यहाँ से निकलना पड़ेगा अपन को।
देखो इन बंदों को मैं काफी ज्यादा ढूंढने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भैया वो बंदे कहाँ गायब हो जाते कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन भैया इतने में ये देखो, भैया मेरे को बहुत गंदे वाली पड़ती है टावर की तरफ से। पहले तो मेरे को एक ही बंदा दिखा था, लेकिन भैया वहां पे दो बंदे हो चुके हैं, तो इन बंदों से हम लोग नहीं लड़ सकते और यहाँ पे जोन भी नहीं है। तो फटाफट मेरे को सामने की तरफ स्मोक करना पड़ेगा और बग्गी उठानी पड़ेगी, क्योंकि भैया अपन को यहाँ से निकलना है। भाई इन बंदों को मैं अच्छा खासा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती, सारी की सारी गोली जो है गाड़ी में लग जाती है। और ये बंदे जो है टावर वाले बंदे और ये निकल चुके हैं जोन में, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे इनको लूटना पड़ेगा और फिर अपन भी निकलते हैं। और भाई इन बंदों को याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये बंदे मिलने वाले हैं यार। और भाई देख रहे हो इन बंदों को सीधा जो है वहां से भग के पोचिंग किया है। एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया है और इसको मैं फिनिश नहीं करता हूं, क्योंकि इसका टीममेट जो है भाग चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे को स्क्वाड हाउस से उस बग्गी का साउंड आता है, तो मैं इस बंदे को फिनिश करके उसके ऊपर रश करता हूँ। और भाई फाइनली इसी के साथ ये वाली टीम की यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ। भाई पता नहीं पोचिंग की में बंदे है या नहीं है, लेकिन अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे जोन नहीं है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और भाई मेरे पास फ्लेयर गन भी है, जोर जोर से एक फ्लेयर गन मिली थी अपन को, तो जोन में जाके वो भी चलाएंगे। अब देखो ये जो जोन बना था वो बना था मिलिट्री बेस के इधर, और मिलिट्री बेस जाने के लिए अपन को एक ब्रिज को पार करना पड़ता है, क्या पता भैया वो कैंप भी हो सकता है। इसलिए ये वाली जगह पे आता हूँ, क्योंकि ये वाली जगह जोन में थी। और आते ही एक फ्लेयर गन चलाता हूँ और सामने की तरफ जैसे ही जाता हूँ तो भाई मेरे को ये बंदा दिख जाता है। और ये बंदा पता नहीं भाई क्या कर रहा था, शायद मेरे ऊपर रश करने की ट्राई कर रहा था, अगर इसको बग्गी का साउंड आया होगा तो। अब इसकी तो पेटी बन चुकी है, भैया जी जो है अकेले थे यहाँ पे, मैंने अपनी फ्लेयर गन भी चला दी है। तो यार वेट करते थोड़ा प्राइवेट अपना ड्रॉप गिरने का, और शायद से यहाँ पे बंदे भी आ सकते हैं भैया फ्लेयर को देख के। और भाई काफी देर वेट करने के बाद यहाँ पे अपना जो है फ्लेयर भी आ जाता है, और इसको जब मैं खोलता हूँ तो इसमें एमके और ग्रोजा मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रोजा उठा लेता हूँ और भाई काफी देर तक यहाँ पे वेट करता हूँ बंदों का आने का, लेकिन यार यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है मेरी फ्लेयर को लूटने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और सीधा निकल देता हूँ जोन में। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया जोन जो है मिलिट्री बेस के इधर बना है, और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ इतने मेरे सामने की तरफ से कार 98 चलती है, इसका मतलब ब्रिज तो कैंप हो रखा है। और भाई इस बंदे के लिए मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसको थोड़ा सा डैमेज दिया तो ये बंदा नीचे कूदता है और भाई गिर के ही नॉक हो जाता है, और फिर इसकी मैं पेटी बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये बंदा नॉक हुआ था, इसका मतलब इसके जो टीममेट होंगे भैया वो ब्रिज के आसपास में ही कहीं होंगे। तो फटाफट चलते हैं जरा। और भाई यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो है सामने वाले जो टूटी गाड़ी रखी है उसमें दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं, और कुछ ही देर बाद वो बंदे जो है मेरे को भी स्पॉट कर लेते हैं। अब देखो इस बंदे का डीपी का फायर देख के मैं समझ चुका था, अगर मैं भैया इसके मुंह के सामने से जाऊंगा तो मुझे लॉबी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, यहाँ पे स्मोक फेंकता हूँ ताकि बंदों को लगे कि भैया मैं ब्रिज पे हूँ, और यहाँ से मैं जो है पानी में कूदता हूँ। और पानी से निकलने के बाद मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो मुझे ऊपर की तरफ से एक गाड़ी का साउंड आता है, यानी कि वो बंदे जो है निकलने का प्लान बना रहे हैं। तो भैया फटाफट रश करते हैं, और यहाँ पे अपन को एक क्रेजी गेमर मिलने वाला है।
कॉपी कैट अब बिकन इकमन करो बैठ के एक बार डेढ़ फेंक दो ऐसे लोगों का साउंड नहीं आया क्या भाई ये क्रेजी गेमर को छोड़ो, सबसे पहले इस बंदे को देखो, ये लास्ट वाला बंदा बैठा कहाँ पे था भैया इसके, वो तो इतने से फुटस्टेप आ गए मेरे को, वरना ये बंदा मेरी पेटी बना देता 100% बता रहा हूँ अगर मैं गाड़ी लेने जाता तो। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं काफ़ी देर से अपनी गाड़ी घुमा रहा हूँ और भैया यहाँ पे मेरी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला है, लेकिन कोई बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है। अब देखो सामने की तरफ नॉक किया मैंने एक बंदा और भाई किल मैसेज तो ऐसा आ रहा है जैसे मैंने पूरी की पूरी टीम को क्लियर कर दिया हो, लेकिन भैया ये पबजी के नशे है, इस पर ध्यान मत दो। अब देखो सामने की तरफ मैंने एक बंदे को नॉक किया है तो मेरे को लग रहा था उसके बंदे जो है आसपास होंगे तो उसको बचाने के लिए आएंगे, तो मैं उस बंदे के ऊपर रश करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक वेट करता हूँ इस बेचारे को बचाने, भाई कोई भी नहीं आता, मतलब इतनी सी भी दया नहीं है कि भाई तुम्हारे टीममेट में, मत खेला करो ऐसे बंदों के साथ यार। अब देखो ये वाली जगह से निकलने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अब हो चुका भैया नागिन का टाइम, क्योंकि जोन जो है बहुत छोटा हो चुका है और अपन जो है घास में, और सामने की तरफ ये देखो, सामने की तरफ मुझे दो नागिन दिखती है जिनमें से कि मैं एक नागिन को नॉक कर देता हूँ और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा, तो फटाफट इसके ऊपर रश करते हैं। और भाई ये बंदा अपनी M4 को M249 समझ लेता भैया, इतना प्री फायर दे रहा था ना मैं क्या ही बताऊं, लेकिन पीछे से आके मैंने इसकी पेटी बना दी और अब बच चुके हैं कुल मिला के तीन बंदे। और भाई इन तीन बंदों को मैं इतना ढूंढता हूँ ना और मेरी फटने लगती है तो मैं कमरे में जाके बैठ जाता हूँ और तभी मेरे को एक बंदा और स्पॉट होता है। देखो इस बंदे को नॉक करते मैं इसके ऊपर सीधा रश करता हूँ, लेकिन तभी पीछे की तरफ से कोई M249 मारता है। तो चलो भाई इसी के साथ इन दोनों बंदों की यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा, और वो लास्ट बंदा कहाँ है मुझे पता है लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है। मेरे को पता है कि सामने की तरफ से कार 98 चली है लेकिन कहाँ से चली ये नहीं पता है। और भाई जैसा कि मैंने बोला था मेरे को बंदा पता है कहाँ है लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, लेकिन उस बंदे ने अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर दी है, तो फटाफट उसके ऊपर रश करते हैं। तो गाइस फाइनली तीन चार दिन के बाद भैया चिकन डिनर हो जाता है और वो भी 28 किल के साथ। तो गाइस आप लोग को ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो इस वाले यूट्यूब चैनल को और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना और हाँ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने पबजी फ्रेंड्स के साथ में। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।